मध्य प्रदेश आज यानी 1 नवंबर के दिन 67 साल का हो गया है और 68वें साल में प्रवेश कर गया है। आज मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। आज के दिन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी। 1 नवंबर 1956 को राजधानी भोपाल के लाल परेड मैदान पर तत्कालीन राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया ने पहली परेड की सलामी ली थी। प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मतदान बढ़ाने को निर्वाचन आयोग ने चुनौती की तरह लिया है। इसके लिए विशेष श्रेणी के मतदाताओं के लिए अलग से व्यवस्थाएं की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फॉर्म 12B में सहमति देने वाले दिव्यांग मतदाता घर से डाक मत पत्र से मतदान कर सकेंगे। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इंडियन रेलवे ने दीपावली और छठ पूजा पर होने वाली भीड़ भाड़ को देखते हुए 2 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जबलपुर और कोटा दानापुर कोटा स्पेशल ट्रेन का शेड्यूल जारी करते हुए रिजर्वेशन विंडो भी खोल दिया गया है। यात्री अभी से इंडियन रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। आजम खान को मिली सजा और जौहर यूनिवर्सिटी की जमीनें वापस लेने पर सुबह सुबह नेता आम ओम प्रकाश राजभर ने पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि आजम खान जांच में दोषी पाए गए हैं, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी, उसमें घोटाले हुए हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता है। सपा की सरकार में उनका जैसा जलवा था उन्होंने अपने जलवे का पूरा लाभ लिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। सामना में सरकार के मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को टारगेट करते हुए इस देश की मिट्टी हिंसा की वजह से जल रही है। ऐसे समय में पीएम को अपना प्रचार करने के बजाय विपक्ष पर लगाम लगाने के बावजूद आतंकियों और उग्रवादियों को जेल में डालने की जरूरत है। नोएडा गाजियाबाद समेत उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होती जा रही है। ठंड बढ़ने के साथ ही स्थिति और खराब होती जा रही है। ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों के लिए ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो रही हैं और इन पर प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। भारत और बांग्लादेश के बीच बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी और बांग्लादेश की उनकी समकक्ष शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्त रूप से रेलवे को दी परियोजनाओं और एक बिजली आपूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया है। इस दौरान संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्षों में हमारा व्यापार 3 गुना हो गया है। दिल्ली में धार्मिक स्थलों के आसपास मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और शमशान घाटों के 150 मीटर के दायरे में ईट की दुकानें नहीं खुलेंगी। दिल्ली नगर निगम के सदन ने 31 अक्टूबर को 54 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिसमें मीट शॉप लाइसेंस पॉलिसी भी शामिल है। नई पॉलिसी के तहत किसी भी धार्मिक स्थल और मांस की दुकान के बीच न्यूनतम 150 मीटर की दूरी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड SFC में तैनात भारतीय सेना के एक मेजर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। रक्षा और सुरक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने 31 अक्टूबर को बताया, हाई लेवल जांच में मेजर को राष्ट्रीय सुरक्षा मानदंड के उल्लंघन का दोषी पाया गया था। इसके बाद उसके खिलाफ ये कार्यवाही हुई। पूरे भारत में करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए आज के दिन व्रत रखती हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस भी करवा चौथ का त्यौहार धूमधाम से मनाती है। बॉलीवुड की सबसे फिट एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी हर साल अपने पति राज कुंद्रा की लंबी उम्र के लिए हर साल व्रत रखती हैं। शिल्पा ने इस साल भी राज के लिए व्रत रखा है।